वेल, जिस टॉपिक पर आप बोलते हो उसी टॉपिक पर आपको वीडियो चैनल पर देखने को मिल जाती है। अब आपका काम तो हमने कर दिया, हमारा काम आपने करना है चैनल को सब्सक्राइब करने का और वीडियो को लाइक करने का। आज हमारे पास है Realme 12 Pro 5G और इस फोन में आपको आउट ऑफ द बॉक्स Realme UI 5.0 और Android 14 का जो लेटेस्ट वर्जन है वो देखने को मिल जाता है ऑफिशियल वर्जन के साथ। तो आज की वीडियो में आपको Realme 12 Pro 5G के 50 प्लस हिडन फीचर, टिप्स एंड ट्रिक्स बताने वाला हूं, जिनको यूज करके आपका फोन यूज करने का जो एक्सपीरियंस है वो और भी एनहांस हो जाएगा। जैसे कि कैमरा के अराउंड रिंग लाइट का इफेक्ट, कलर कस्टमाइजेशन, ऑलवेज ऑन डिस्प्ले, कलर एनहांसमेंट और भी वगैरह वगैरह काफी सारे हिडन फीचर, टिप्स एंड ट्रिक्स जो हैं वो आपको Realme 12 Pro 5G के अंदर देखने को मिलती हैं। तो अगर आपने Realme 12 Pro 5G ले लिया है, लेने की सोच रहा है, तो इस वीडियो को शुरू से लेकर के एंड तक वॉच करें, जिससे आपका फोन यूज करने का जो एक्सपीरियंस है वो और भी एनहांस हो जाएगा। बाकी इन फीचर्स को आप लोग Realme के और फोन्स के अंदर भी ट्राई कर सकते हो, तो वीडियो काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग होगी। बट अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि सब्सक्राइब करोगे तो हमें नेक्स्ट वीडियो बनाने में बहुत ही मोटिवेशन मिलती है, और लाइक कर दोगे तो ये वीडियो और यूजर के पास भी पहुंच जाएगी। तो चलो अब वीडियो को स्टार्ट करते हैं। वेल, अब बात की जाए फीचर्स के बारे में, तो Realme 12 Pro 5G के अंदर आपको कीबोर्ड माउस का सपोर्ट भी देखने को मिलता है। आपने OTG कनेक्शन से अपने फोन के अंदर जो कीबोर्ड माउस है उसको कनेक्ट कर लेना है कुछ इस तरीके से। इतना करने के बाद आपके अपने फोन के अंदर जो कीबोर्ड माउस है उसको चला सकते हो। आपके सामने रहा ये रहा माउस, मैं फोन को टच नहीं करूंगा, साइड में कर देता हूं। आप लोग देखिए पूरे फोन को माउस से कंट्रोल कर रहा हूं। यहां पर सेटिंग को ओपन करना है, सेटिंग को क्लोज करना है, नोटिफिकेशन पैनल को नीचे करना है, ऊपर करना है, पूरे फोन को आगे पीछे करना है, ये सब फीचर जो है मैं अपने फोन को माउस से कंट्रोल कर रहा हूं। स्क्रोल करना है, ये सारे फीचर मैं अपने फोन को माउस से कंट्रोल कर पा रहा हूं। इसी तरीके से आप लोग इस फोन में जो कीबोर्ड है उसको भी लगा सकते हो। तो Realme 12 Pro 5G के अंदर आपको कीबोर्ड माउस का सपोर्ट भी मिलता है। अगले फीचर की बात करें तो वो फीचर आपको मिलेगा गैलरी के अंदर। आप लोग कोई फोटो ओपन करो, जैसे कि मानो ये फोटो रहा, मुझे इस फोटो के अंदर जो ये इसका सब्जेक्ट है इसका PNG क्रिएट करना है, तो आप लोग किसी थर्ड पार्टी ऐप को यूज करते होगे, वेबसाइट को यूज करते होगे, लेकिन अब Realme फोन्स के अंदर आपने इस तरीके से होल्ड एंड टैप करके रखना है और इसको छोड़ दो। यहां से आप लोग इसको कॉपी भी कर सकते हो, सेव करोगे तो मैं यहां पर सेव करता हूं, थोड़ी सी लोडिंग होगी और उसके बाद ये सेव हो जाएगा। अब बैक आकर के मैं अगर मैं आपको बताऊं, अगर आप लोग यहां पर देखें तो फोटो में से जो ऑब्जेक्ट है यहां पर इसकी PNG बन चुकी है और भाई देखने में काफी बढ़िया क्वालिटी भी आ रही है। पूरा बैकग्राउंड जो है अच्छे से इसने रिमूव भी कर दिया। ये फीचर सिर्फ आपको Realme की 12 सीरीज के अंदर ही देखने को मिलेगा। अगले फीचर्स की बात करें तो वो फीचर्स आपको मिलेंगे होम स्क्रीन के ऊपर। आपने अपने फोन की स्क्रीन को पिंच करना है, नीचे सारे के सारे सेक्शन मिल जाएंगे, वॉलपेपर, आइकन, विजेट, लेआउट, ट्रांजैक्शन और मोर का सेक्शन। वॉलपेपर सेक्शन के अंदर आप लोगों को लाइव वॉलपेपर, स्टैटिक वॉलपेपर सारे देखने को मिल जाते हैं और वर्कशॉप का फीचर मिलता है, जिससे आप लोग अपना एक नया वॉलपेपर जो है वो इस फोन के लिए क्रिएट कर सकते हो, जो मुझे काफी यूजफुल फीचर लगा। सेकंड फीचर रहा आइकन का, आप लोग इस फोन में अपने आइकन का स्टाइल, लेआउट सब कुछ चेंज कर सकते हो और मोर के सेक्शन के अंदर आप लोगों को जो थर्ड पार्टी आइकन है उनका सपोर्ट भी देखने को मिल जाएगा। और आप लोगों को यहां पर जो अडेप्ट सिस्टम कलर का फीचर है, यानी कि आपके जो मटेरियल आइकन पैक्स हैं उनका सपोर्ट भी आपको इस फोन के अंदर देखने को मिल जाएगा। तो ये फीचर भी आप लोग यूज कर सकते हो। नॉर्मल होम स्क्रीन के जो विजेट्स हैं वो भी आपको इस फोन में देखने को मिल जाते हैं। लेआउट आप लोग यहां से चेंज कर सकते हो, ट्रांजिशन चेंज करना है वो कर सकते हो। लेकिन अगर आपने इस फोन के अंदर 3D विजेट लगाने हैं, उसके स्क्रीन को पिंच करो, ऊपर प्लस का बटन मिलेगा, इसके ऊपर क्लिक करो, यहां पर सारे के सारे फीचर मिल जाएंगे, स्टेप ट्रैकर, रिकॉर्डर, वेदर, नोट्स, क्लॉक, इन सब के आप लोग जो 3D विजेट्स हैं कुछ इस तरीके से वो अपनी होम स्क्रीन के ऊपर लगा सकते हो। जैसे कि मुझे क्लॉक का लगाना है, क्लिक किया, ऐड किया और होम स्क्रीन के ऊपर कुछ इस तरीके का जो विजेट है क्लॉक का वो ऐड हो जाएगा। तो इस फोन में आपको जो 3D विजेट्स है उनका सपोर्ट भी मिलता है। अब अगर आपने Realme 12 Pro Plus या Realme 12 Pro को बाय कर लिया, अब इस फोन को आपने अपने PC से के साथ कनेक्ट करना है, यानी कि विंडो के साथ, तो ये फीचर भी Realme ने आपको फोन के अंदर दे दिया। सेटिंग ओपन करो, कनेक्शन सेटिंग के सेक्शन में जाओ, लिंक टू विंडो का फीचर मिलेगा और यहां से आप लोग अपने फोन को अपने PC, कंप्यूटर दोनों के साथ सीमलेसली बिना किसी दिक्कत से कनेक्ट कर सकते हो। ये फीचर भी आपको इस फोन में Realme ने दे दिया। भाई कनेक्शन के और भी काफी सारे फीचर मिल जाएंगे, VPN, प्राइवेट DNS, Android ऑटो। अगर आपकी कार में Android ऑटो है तो आप लोग इस फोन को अपनी कार के साथ भी कनेक्ट कर सकते हैं। अब Realme 12 Pro 5G के कुछ स्पेशल फीचर्स की बात करते हैं, तो सेटिंग के अंदर आपको स्पेशल फीचर का सेक्शन मिलेगा, जिसके अंदर कुछ इतने सारे फीचर मिलेंगे। सबसे पहला फीचर है स्मार्ट सजेशन का। जैसे आप लोग इसको क्लिक करके ऑन करोगे, इस फीचर की हेल्प से आप लोग Zomato, Swiggy के जितने भी आपके सजेशन है, डिलीवरी इन्फॉर्मेशन है, वो आप लोग अपनी ऑलवेज ऑन डिस्प्ले के ऊपर ही चेक कर सकते हो, वहीं से आप लोग कैंसिल रिसीव भी कर पाओगे। सेकंड फीचर है स्प्लिट व्यू का। इस फीचर की हेल्प से आप लोग एक सीन के ऊपर दो ऐप जो है एक साथ यूज कर सकते हो। यूज कैसे करना है,
थ्री फिंगर आपने ऊपर की तरफ इस तरीके से स्लाइड करनी है। अगर आपकी ऐप सपोर्ट करती होगी तो स्प्लिट व्यू जो है वो आपको देखने को मिल जाएगा। फ्लेक्सिबल विंडो, ये फीचर भी काफी कमाल का है। इसके हिसाब से आप लोग मल्टीटास्किंग जो है आराम से कर सकते हो। एक ऐप के साथ आप लोग छोटी सी मिनी विंडो जो है फ्लेक्सिबल विंडो की वो इस फोन में क्रिएट कर पाओ। क्विक रिटर्न, लेकिन क्विक रिटर्न जो है अभी सिर्फ बीजीएमआई गेम के ऊपर ही वर्क करता है। गेम खेलते खेलते अगर आपने गेम को क्लोज कर दिया और आपका मैच लग रहा होगा, मैच की टाइमिंग ऊपर आपको देखने को मिल जाएगी, 30 सेकंड 60 सेकंड जितना मैच होगा उस टाइमिंग तक आप लोग गेम के अंदर जा सकते हो वापस। क्विक लॉन्च, ये फीचर मुझे काफी इंटरेस्ट लगा। इसको ऑन करो, ऑन करने के बाद जब भी मैं यहाँ पर अपने फिंगरप्रिंट को लगाता हूँ लेकिन थंब को लगाए रखता हूँ तो यहाँ पर जो शॉर्टकट्स है मुझे देखने को मिल जाते हैं। मैं सीधा यहाँ स्नैपचैट को ओपन कर सकता हूँ, गूगल असिस्टेंट को ओपन कर सकता हूँ, एनोट्स को ओपन कर सकता हूँ, लेकिन अगर इनको आपने एडिट करना है तो यहीं पर आपको ये फीचर भी देखने को मिल जाएगा। इसको आप लोग यहाँ से एडिट भी कर सकते हो। अगला फीचर है स्मार्ट साइड बार का, जो आपको पता है किस काम आता है। स्मार्ट साइड बार आप देखिए कुछ इस तरीके की स्मार्ट साइड बार जो वो आपको देखने को मिल जाती है। यहाँ पर काफी सारे फीचर मिल जाएंगे। फाइल डॉक का फीचर भी अब रियलमी ने यहाँ पर ऐड कर दिया है। जितने भी आप लोग डाटा सेव करके फाइल डॉक के अंदर रखोगे उसको आप लोग किसी और फोन के अंदर भी एक्सेस कर सकते हो, जो मुझे काफी इंटरेस्टिंग लगा। और किड्स मोड, सिंपल मोड, ये भी आपको यहाँ पर देखने को मिल जाते हैं। अब रियलमी 12 प्रो 5G के अंदर आपको कर्व डिस्प्ले देखने को मिलती है, सुपर एमोलेड डिस्प्ले है। अब इसके अंदर ऑलवेज डिस्प्ले यूज करना तो बनता है, तो सेटिंग के अंदर वॉलपेपर स्टाइल का सेक्शन मिलेगा, इसको ओपन करो। यहीं से आप लोग पूरे फोन को कस्टमाइज भी कर सकते हो, वॉलपेपर चेंज कर पाओगे, फॉन्ट चेंज कर सकते हो, कलर चेंज कर सकते हो, फिंगरप्रिंट का जो स्टाइल है वो चेंज कर सकते हो, एज लाइटिंग है वो भी आप लोग यहां से लगा सकते हो, थीम चेंज कर सकते हो, आइकन का स्टाइल चेंज कर सकते हो। सेकंड नंबर पर ऑलवेज ऑन डिस्प्ले मिलेगी, इसको ऑन करो, काफी सारे स्टाइल देखने को मिल जाते हैं। जो पसंद हो उसके ऊपर क्लिक करके सेव कर दो या अप्लाई कर दो, आपकी ऑलवेज ऑन डिस्प्ले लग गई आपके सामने। देखिए यहां फोन को ऑफ करता हूं और थोड़े 1-2 सेकंड के बाद ये रही ऑलवेज ऑन डिस्प्ले आ गई, और यहीं से आप लोग इसको अपने फोन को अनलॉक भी कर पाओगे। ये फीचर भी आपको रियलमी में देखने को मिल जाता है। काफी टाइम से बहुत सारे बंदे देख रहे हो कि मैंने कैमरा के अराउंड ये रिंग लाइट कैसे लगा के रखी है। देखो ये रिंग लाइट लगाना बहुत ही आसान है, आप भी अपने फोन के अंदर लगा सकते हो। इसके लिए आपको एक ऐप जो है वो डाउनलोड करनी होगी, ऐप का नाम है रिंग रिंग। मेरे टेलीग्राम चैनल की ओर मैंने ऐप को शेयर कर दिया, आप लोग वहां से इसको डाउनलोड कर सकते हो। डाउनलोड करने के बाद ऐप को ओपन करो, यहां से ऑन करो और इसको सेट करके एडजस्ट कर दो, और उसके बाद यहां से आप लोग कलर चेंज कर सकते हो। कलर जो आपने कलर लगाना है वो आप लोग लगा लो और जस्ट आपका काम हो गया। अब आप लोग देखिए कुछ इस तरीके का इफेक्ट जो है वो कैमरा के अराउंड रिंग लाइट का देखने को मिलता है, देखने में काफी अच्छा लगता है। और ये भाई बैटरी इंडिकेटर का काम भी करता है, जो देखने में के साथ साथ भाई काफी यूजफुल और काफी काम का फीचर भी है। Realme 12 Pro 5G में आपको 120 हर्ट्ज का रिफ्रेश रेट मिलता है, लेकिन 60 हर्ट्ज का मिलता है। इसको चेंज करना है तो डिस्प्ले ब्राइटनेस के सेक्शन के अंदर जाओ, यहां पर आप लोगों को देखने को मिल जाएगा स्क्रीन रिफ्रेश रेट। इसके ऊपर क्लिक करके आप लोग 120 हर्ट्ज 60 हर्ट्ज अपने हिसाब से चेंज कर सकते हो। ऑटो रखोगे तो आप लोगों का जो रिफ्रेश रेट है ऑटोमेटिकली ऊपर नीचे होता रहेगा। बाकी आपको डार्क मोड का फीचर भी देखने को मिल जाता है, डार्क मोड लगा दोगे पूरा फोन भाई ब्लैक हो जाएगा, देखने में काफी अच्छा लगता है। साथ में आपको यहां पर स्क्रीन कलर मोड का जो फीचर है वो भी देखने को मिल जाता है। स्क्रीन के कलर्स अगर आपने अपने हिसाब से एडजस्ट करना है तो वो भी आप लोग यहां से कर सकते हो। मुझे तो ये फीचर काफी इंटरेस्टिंग लगे, आपको कैसे लगते हैं आप लोग मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हो। बाकी यहां पर डिस्प्ले का साइज आप लोग कम ज्यादा कर सकते हो, और भी वगैरह वगैरह काफी सारे हिडन फीचर जो है वो आपको यहां पर देखने को मिल जाएंगे। अब साउंड एंड वाइब्रेशन सेक्शन के अंदर भी रियलमी ने काफी अच्छा काम किया है। रियलमी 12 प्रो 5G के अंदर आप लोगों को जो हैप्टिक्स देखने को मिलते हैं वो हैप्टिक्स देखने को मिलते हैं जिनका वाइब्रेशन फीडबैक काफी बढ़िया है, जिसको आप लोग अपने हिसाब से सेट कर सकते हो। आपको कितनी वाइब्रेशन चाहिए, कौन सा मोड चाहिए वो आप लोग सेट कर लो। और काफी सारी नई साउंड जो है वो भी रियलमी ने यहाँ पर ऐड कर दिए हैं, और डॉल्बी एटम्स का जो सपोर्ट है वो भी आप लोगों को इस फोन के अंदर देखने को मिल जाता है, जिससे आपका म्यूजिक एक्सपीरियंस जो है वो और भी एनहांस हो जाएगा। नोटिफिकेशन स्टेटस बार सेक्शन के अंदर आप लोग यहाँ पर आपका जो स्टेटस बार है इसको अपने हिसाब से कस्टमाइज कर सकते हो। स्टेटस बार के अंदर आपने कौन सा फीचर रखना है कौन सा नहीं रखना वो आप लोग यहाँ से बंद ऑन कर सकते हो। मुझे ये फीचर काफी इंटरेस्टिंग लगा। साथ में आपको यहाँ पर स्मार्ट नोटिफिकेशन हाइडिंग का जो फीचर है वो भी देखने को मिल जाता है, ये भी काफी काम का फीचर है। स्मार्ट सजेशन का फीचर भी देखने को मिल जाएगा, ये आपको रिडायरेक्ट कर देता है आपके स्पेशल फीचर सेक्शन के अंदर वगैरह वगैरह। यहाँ पर आपको काफी सारे और हिडन फीचर्स भी देखने को मिल जाते हैं, जिनको यूज करके आपका फोन यूज करने का जो एक्सपीरियंस है वो और भी एनहांस हो जाएगा। आजकल एक फीचर बहुत ही ट्रेंड पर चला है, वो रहा रैम को बढ़ाने का फीचर, यानी कि रैम एक्सपेंशन। अब रियलमी वो फीचर ना दे हो ही नहीं सकता,
मिलेगा। रियलमी 12 प्रो 5G के अंदर वो फीचर मिलता है। सेटिंग के अंदर जाओ, अवार्ड फोन के सेक्शन के अंदर जाओ, रैम मिलेगी, इसके ऊपर क्लिक करो। और ये रहा रैम एक्सपेंशन, आप लोग अपनी जो रैम है उसको 8GB तक बढ़ा सकते हो। ऑन कर दो उसको, बढ़ा दो, बट एक बार आपको आपका जो फोन है वो रिस्टार्ट करना होगा और उसके बाद आपके फोन की जो रैम है 8GB के साथ साथ 8GB आपको और मिल जाएगी, यानी कि आपके फोन की जो रैम है वो 16GB हो जाएगी। अगर आपने Realme 12 Pro 5G या Realme 12 Pro Plus ले लिया है, लेकिन आपको कोई दिक्कत हो ही होगी, अगर आप अपने फोन को स्विच ऑफ करने लगोगे तो ऐसा मेन्यू देखने को नहीं मिलता, गूगल असिस्टेंट आ जाता है और बहुत सारे बंदे परेशान होते हैं। इसका भी सॉल्यूशन है, सेटिंग के अंदर आपने जाना है और ऊपर आपने यहाँ पर सर्च बार में एक चीज सर्च करनी है जिसका नाम रहा पावर मेन्यू। ये सर्च करने का इसके ऊपर क्लिक करो और यहाँ पर आप लोगों को पहले वॉइस असिस्टेंट होगा, इसको चेंज करके आपने पावर मेन्यू कर देना है। अब जब भी आप लोग अपने पावर बटन को प्रेस करोगे आपको पावर मेन्यू देखने को मिलेगा, गूगल असिस्टेंट जो है वॉइस असिस्टेंट जो है वो देखने को नहीं मिलेगा, है ना, ये भी कमाल का फीचर। बाकी एक और चीज, रियलमी 12 प्रो और प्रो प्लस के अंदर आपको जो गूगल का डायलर, गूगल की मैसेज एप्लीकेशन मिलती है, लेकिन बहुत सारे बंदे इनको यूज करना नहीं चाहते, तो आप लोगों ने प्ले स्टोर के ऊपर जाकर के वो डायलर को इंस्टॉल करना है। Realme 12 Pro, Pro Plus दोनों के अंदर अच्छे से काम करता है। कॉल रिकॉर्डिंग भी आप लोग बिना अनाउंसमेंट कर सकते हो और ऑफिशियल आपको ये डायलर देखने को मिलता है, तो अगर चेंज करना है तो इससे चेंज करना। अब देखो Realme 12 Pro 5G के अंदर आपको कुछ यहां पर जो थर्ड पार्टी एप्स हैं वो भी देखने को मिल जाती हैं, लेकिन अगर आपके वो काम की तो आप लोग यूज करो, अगर यूज नहीं करना तो उनको आप लोग डिसेबल भी कर सकते हो। अगर आप लोगों ने गूगल डायलर को यूज नहीं करना, वो डायलर यूज करना है, इसको भी आप लोग डिसेबल कर सकते हो। और कोई सिस्टम ऐप अगर आपने डिलीट कर दिया उसको वापस अपने फोन के अंदर लाना है तो ये सारे फीचर आपको इस फोन के अंदर ही देखने को मिल जाते हैं। सेटिंग के अंदर जाओ, ऐप का सेक्शन ओपन करो, ऐप मैनेजमेंट मिलेगी, सारी ऐप को यहां से मैनेज कर सकते हो। ऐप का क्लोन बनाना है यहीं से बना सकते हो, डिफॉल्ट ऐप को सेट करनी है वो आप लोग यहीं से सेट कर सकते हो। उसके बाद आ डिसेबल ऐप, जो भी सिस्टम है आपने गलती से डिसेबल कर दिया उसको आप लोग वापस यहां से ला सकते हो। रिकवर सिस्टम ऐप, कोई सिस्टम ऐप अगर आपने गलती से डिलीट कर दिया उसको भी आप लोग वापस से ला सकते हो। और स्पेशल ऐप का एक्सेस अगर आपने किसी को देना तो वो आप लोग यहां से चेंज कर सकते हो। तो रियलमी ने भाई ऐप सेक्शन को भी इस बार काफी अच्छा मॉडिफाई कर दिया है और काफी अच्छे फीचर भी आपको इसके अंदर देखने को मिल जाते हैं। अब देखो फोन तो ले लिया, अब फोन के अंदर फिंगरप्रिंट कैसे लगाएं, लॉक स्क्रीन कैसे लगाएं, इसके लिए आपको जाना है 4G साइड के अंदर, सिक्योरिटी प्राइवेसी का सेक्शन ओपन करो। लेकिन पहले ये सेक्शन अलग-अलग होते थे, लेकिन अब Realme ने ये दोनों सेक्शन एक साथ कर दिए हैं। अब आप लोगों ने यहां पर नीचे आना है, ऐप सिक्योरिटी मिल जाएगी, डिवाइस अनलॉक फीचर मिल जाएगा, अकाउंट की सिक्योरिटी, कोई आपको यहां पर गूगल का अपडेट आता है वो आप लोग यहां पर चेक कर सकते हो, आया होगा तो वो आपको देखने को मिल जाएगा। अब आपने फोन के अंदर लॉक लगाना है, डिवाइस लॉक के ऊपर क्लिक करो और यहां पर स्क्रीन लॉक के ऊपर क्लिक करो, अपना लॉक लगाओ। अब आपने यहां पर कौन सा लॉक रखना है वो आप लोग यहां पर रख सकते हो, फेस लॉक लगाना है फेस लॉक लगा लो, फिंगरप्रिंट लगाना है यहां से आप लोग जो इस फोन में Realme 12 Pro, Pro Plus दोनों के अंदर इस तरीके से आप लोग जो फिंगरप्रिंट लॉक है, फेस लॉक है वो लगा सकते हो। और प्राइवेसी अगर आपने चेक करना है तो यहां से आप लोगों को अलग से प्राइवेसी का जो डैशबोर्ड है वो देखने को मिल जाता है, कौन सी ऐप कितना डाटा ले रही है, क्या एक्सेस ले रही है, वो सब आपको यहां पर देखने को मिल जाएगा। तो है ना ये भी कमाल का फीचर, कैमरा एक्सेस, माइक्रोफोन एक्सेस, ये दोनों अभी भी आप लोग अपने हिसाब से इनको ऑन ऑफ कर सकते हो। और ऑन ऑफ करने का फीचर आपको इनका नोटिफिकेशन पैनल के अंदर भी देखने को मिल जाता है। Realme 12 Pro 5G के अंदर आपको 5000 mAh की बैटरी मिलती है, लेकिन उसकी बैटरी एनी को रोकने के लिए Realme ने बैटरी सेक्शन को भी इंप्रूव कर दिया है। यहां पर आपको पावर सेविंग मोड के अंदर ही सुपर पावर सेविंग मोड भी देखने को मिल जाएगा, साथ में स्मार्ट चार्जिंग और स्टॉप चार्जिंग एट 80% के ऑफ फीचर भी देखने को मिल जाता है और मोर सेटिंग भी देखने को मिल जाएगी। लेकिन मैंने बहुत ट्राई किया, बहुत ढूंढा, बैटरी हेल्थ का फीचर आपको इस फोन में देखने को नहीं मिलता। Realme का सिर्फ एक इकलौता फोन है Realme 11 Pro Plus जिसमें आपको बैटरी हेल्थ का फीचर मिलता है, बाकी किसी फोन में Realme ने अभी तक जो बैटरी हेल्थ का फीचर है वो प्रोवाइड नहीं करवाया है। और इस फोन की बैटरी काफी बढ़िया चलती है, कोई ऐसी दिक्कत आपको बैटरी में नहीं होगी। अब देखो कुछ लोग अपने फोन के अंदर नीचे बटन्स को यूज करते हैं और कुछ लोग मेरी तरह जो जेस्चर है इनको यूज करते हैं। अब अगर आपने अपने फोन के अंदर जेस्चर लगाने हैं, बटन लगाने हैं, सेटिंग के अंदर जाओ, एडिशनल सेटिंग के ऊपर क्लिक करो, सबसे पहला फीचर मिलेगा सिस्टम नेविगेशन, बटन लगाने तो आप लोग अपने हिसाब से बटन लगा लो, जेस्चर लगाने तो अपने हिसाब से आप लोग जो जेस्चर है वो लगा सकते हो। साथ में यहां पर आप लोग फोन की लैंग्वेज चेंज करनी है, रीजन चेंज करना है वो कर सकते हो, किसी स्पेसिफिक ऐप की लैंग्वेज चेंज करनी है तो ये फीचर भी भाई Realme ने इस फोन के अंदर दे दिया है। स्पेसिफिक ऐप जो है उसकी लैंग्वेज भी आप लोग अपने हिसाब से चेंज कर सकते हो, कीबोर्ड चेंज करना है वो कर सकते हो, डेट एंड टाइम चेंज करनी है वो कर सकते हो, ड्यूल क्लॉक का फीचर मिल जाता है इस तरीके से, आपने इसको ऑन करना है और आपको आपकी जो लॉक स्क्रीन है, होम स्क्रीन है, उसके ऊपर ड्यूल क्लॉक जो है वो देखने को मिल जाएगी। और ये फीचर भाई अच्छे से काम भी करता है, आपने यहाँ पर जो क्लॉक है उसको सिलेक्ट करना है और कहाँ पर आप लोगों को ये चीज चाहिए वो आप लोग अपने हिसाब से सिलेक्ट कर लो और
कुछ इस तरीके से आप लोग अपनी होम स्क्रीन लॉक स्क्रीन के ऊपर जो ड्यूल क्लॉक का फीचर है उसको यूज कर सकते हो। और साथ में अगर आप लोगों को यहाँ पर स्क्रीनशॉट को एडिट करना है तो स्क्रीनशॉट एडिटेशन का आपको फीचर अलग से मिल जाता है। स्क्रीन रिकॉर्डिंग की सेटिंग को चेंज करना तो वो फीचर आपको यहाँ पर देखने को मिल जाएंगे। और फ्रेम रेट की बात करें तो आपको 60 FPS तक आप लोग इस फोन में जो स्क्रीन रिकॉर्डिंग है वो कर सकते हो, काफी अच्छी बात है। और भी वगैरह वगैरह काफी सारे हिडन फीचर रियलमी ने यहाँ पर प्रोवाइड करवाए हैं। अब देखो, अगर आपने भी अपने फोन के अंदर इतने सारे फीचर को एक जगह लाना है और एनेबल करना है, बहुत ही आसान है। यही से आप लोग गूगल असिस्टेंट ओपन कर सकते हो, फोन को पावर ऑफ कर सकते हो, वॉल्यूम कम ज्यादा कर सकते हो, रिसेंट सेक्शन ओपन कर सकते हो, ब्राइटनेस कम ज्यादा कर सकते हो, फोन को लॉक कर सकते हो, क्योंकि सेटिंग आप लोग यहीं से ओपन कर सकते हो, और भी स्क्रीनशॉट लेना है वगैरह वगैरह काफी सारे फीचर मिल जाते हैं। इसको एनेबल करने के लिए सेटिंग के अंदर जाओ, एडिशनल सेटिंग में जाओ, एक्सेसिबिलिटी के अंदर जाओ, एक्सेसिबिलिटी मेन्यू का फीचर मिलेगा, इसको पहले ऑफ होगा ऑन कर दो, अलाउ कर दो, और उसके बाद इस तरीके का बटन आपको यहां पर मिल जाएगा और उन फीचर्स को आप लोग यूज कर सकते हैं। Realme 12 Pro 5G के अंदर आपको हार्ट रेट का फीचर भी देखने को मिल जाता है और ये भाई अच्छे से काम करता है। मैंने इसका टेस्ट किया था स्मार्ट वॉच के साथ, अच्छे से आपको जो रिजल्ट्स हैं वो दे देता है। अब ये फीचर आपको मिलेगा सेटिंग्स के अंदर सबसे लास्ट में Realme लैब सेक्शन के अंदर, और इस फीचर को यूज करने के बाद आप लोग अपना थंब प्रेस करके जो हार्ट रेट है अपना वो फोन के अंदर ही चेक कर सकते हैं। अब देखो, Realme फोन्स को कैसे अपडेट करना है ये तो आपको पता होगा, लेकिन सिस्टम ऐप्स को कैसे अपडेट करना है ये नहीं पता होगा। तो सबसे पहले फोन को अपडेट करने के लिए आपको जाना होगा सेटिंग के अंदर, अबाउट डिवाइस के अंदर जाओ और Realme UI वर्जन के ऊपर टैप करो, कोई नया अपडेट आया होगा यहां पर शो हो जाएगा, आप लोग यहां से डाउनलोड करके इंस्टॉल कर सकते हो। फोन इस तरीके से अपडेट होगा। अब सिस्टम ऐप्स को कैसे अपडेट करना है इसके लिए आपको जाना है टेलीग्राम के ऊपर, इस चैनल को आपने ज्वाइन कर लेना, चैनल का लिंक इसका नीचे डिस्क्रिप्शन में होगा। यहां पर आपको Realme और Oppo फोन्स की जितनी भी सिस्टम ऐप्स के अपडेट आते हैं वो सारे के सारे देखने को मिल जाएंगे, और यहां से आप लोग अपने Oppo और Realme फोन्स की जो सिस्टम ऐप्स हैं उनको अपडेट कर सकते हो। चैनल का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में, आप लोग ज्वाइन कर लो और अपनी सिस्टम ऐप को आप लोग यहीं से अपडेट कर सकते हैं, ये ऑफिशियल चैनल है। फाइनली दोस्तों, इतना इस वीडियो में, ये थे Realme 12 Pro एंड Realme 12 Pro Plus 5G के 50+ हिडन फीचर एंड टिप्स एंड ट्रिक्स, जिनको यूज करके आपका फोन यूज करने का एक्सपीरियंस और भी एनहांस हो गया। अगर आपको इसके अलावा भी और फीचर्स के बारे में पता है तो मुझे कमेंट सेक्शन में बता देना, मैं इसका जो पार्ट 2 है वो लाने की पूरी कोशिश करूंगा। बाकी जितने मैंने फोन को यूज किया, जो फीचर मुझे मिले, सब मैंने आपको एक एक करके डिटेल में बता दिया। कैमरा के अराउंड रिंग लाइट कैसे लगानी है, ऑलवेज ऑन डिस्प्ले कैसे लगाना है, सब आपको पता चल गया होगा। बाकी इतना इस वीडियो में, हम मिलेंगे आपको अपनी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, चैनल को सब्सक्राइब कर लो।